हाँ दोस्तों, मेरा नाम सूर्य हुदा, आप देख रहे हैं वो बॉलीवुड क्रेजी। सीधे बातों पर आता हूँ, साफ साफ बात करता हूँ, वो भी मिर्जापुर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सीजन सेकंड मैं देखी है। सीजन वन भी मैंने करीबन 15-20 दिन पहले रिवाइंड करके पूरा देखा था, और मुझे ताकि स्टोरी क्लियर समझ में आए। वैसे भी अगर आपको नहीं पता सीजन वन में क्या क्या हुआ तो टेंशन मत लीजिए। ये जब सेकंड सीजन चालू होता है तो कम से कम 5-6 मिनट का एक ऐसा फेज होता है, 5-6 मिनट में प्रॉपर रिकैप दिखाते हैं कि फर्स्ट सीजन में कहां तक एंड हुआ था। उसके बाद ये साफ साफ है कि मुन्ना भैया ऑलरेडी इंजर्ड है, 5 गोली लगी है मुन्ना भैया को, यानी कि देवेंदु शर्मा को। वहीं गुड्डू को पैर में गोली मारी थी, याद होगा आपको, इसने मुन्ना ने, तो गुड्डू का पैर इंजर्ड है, गुड्डू चल नहीं पा रहे, वो भी लगभग मुश्किलों से ही बचे हैं। और उनको पता है किसने बचाया था, उनको बचाया था गोलू ने, यानी कि श्वेता त्रिपाठी ने। तो यहाँ पे गुड्डू और उसकी बहन और गोलू, ये तीनों एक साथ में है। एक डॉक्टर है जो गुड्डू का इलाज कर रहा है, वहीं वो सब अंदर ही अंदर ये सपना सोच रहे कि वो कहीं ना कहीं खात्मा करेंगे कालीन भैया का, यानी कि पंकज त्रिपाठी का, और देवेंदु शर्मा यानी कि मुन्ना भैया का। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो इस सीरीज में सामने आते हैं। एक तो रतिशंकर शर्मा, आपको याद होगा, जो वहां का था, गोरखपुर का था, है ना, और उसे जीतना था मिर्जापुर, ठीक है। हमेशा से उसकी बहुत पुरानी दोस्ती थी कालीन से। तो आपको याद होगा जब यहाँ पर गुड्डू है ना, गुड्डू का भाई जो रहता है, उन दोनों के साथ ना लोग उड़ा देते हैं, यानी गुड्डू उड़ा देता है, सीधी सी बात है, रतिशंकर शुक्ला को। तो रतिशंकर शुक्ला का जो बेटा है शरद शुक्ला, वो कहीं ना कहीं हाथ मिला लेता है मुन्ना भैया से, और मुन्ना भैया से हाथ मिला लेता है ताकि एक स्ट्रांग बॉन्डिंग रहे। और वो क्यों हाथ मिलाता है मैं आपको बताता हूँ। मुन्ना भैया ये बोलता है कि हमें जौनपुर चाहिए, एक्चुअली जौनपुर का रहता है वो, गोरखपुर नहीं, जौनपुर चाहिए। और जौनपुर वाला जो शरद रहता है कि मैं आपको हमारा जौनपुर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके मिर्जापुर का हाथ हम पे रहना चाहिए। और लोग वही पूछते हैं, यार तूने ये क्यों डील की, मुन्ना तो वही बंदा है, या ये कालीन भैया तो वही बंदा है जिससे तुम्हारे पिताजी की पुरानी दुश्मनी थी। बोलते हैं नहीं, अभी शांत हो, मैं आगे आगे बताऊंगा जिससे भी होगा। और यहाँ पे बहुत ही लास्ट में ये दिखाया गया है, मैं ऑफकोर्स ये थोड़ा स्पॉइलर टाइप है, बट ये दिखाया गया है कि जो बिच्छू होता है या फिर जो सांप होता है वो कोई और नहीं होता है, शरद ही रहता है, या शरद शंकर है ना, जिसका पिता रहता है रतिशंकर शुक्ला, उसका बेटा रहता है। और यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो गोलू है, यानी कि हमारी श्वेता त्रिपाठी, वो किस तरह से प्यार के जाल में फंसाती है विवेक, क्या नाम उसका, विजय वर्मा को। विजय वर्मा का यहाँ पे डबल रोल है, और विजय वर्मा के डैडी का नाम, डैडी जो है वो त्यागी नाम का कोई कैरेक्टर है, उसे निभा रहे लिलीपुट। तो यहाँ पे साफ है लिलीपुट के जो बेटे है वो दो है, यानी कि विजय वर्मा 1 और 2 दोनों का डबल रोल है, ठीक है। और उसमें से एक छोटे बेटे है, थोड़ा सा बड़ा भोला टाइप रहता है, उसे फंसाती है गोलू ताकि किसी तरह से चाल ऐसा जाल बिछाए और उसका फायदा उठाए, और उसके बाद जाकर पैसे उसे के हिसाब से या बहुत सारी चीजों से स्ट्रांग बनाए, किसको, हमारे गुड्डू भैया को। तो कुल मिला के गुड्डू क्या बदला ले पाता है मुन्ना से, और क्या कालीन भैया का खात्मा होता है, ये बहुत ही बढ़िया चीज, मैं आपको बोल तो सकता हूँ तुरंत, लेकिन सिर्फ इतना बोलूंगा कि आखिरी सीन में ये दिखाया गया है कि जो गद्दी होती है मिर्जापुर की, उस गद्दी पर हमारे गुड्डू भैया बैठते हैं। तो बाकी चीजें मैं नहीं बताऊं क्योंकि आप फिर देखोगे नहीं, बोले यार सूर्य बता रही है हमको क्या देखना। इट्स अ गुड, इट्स अ वेरी वेल मेड वेब सीरीज। और फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन में जो कंपैरिजन अगर लोग जैसे कर रहे थे सेकेंड गेम्स 1 सेकेंड गेम 2 का, तो सेकेंड गेम 1 के हिसाब से सेकेंड गेम 2 काफी नल्ला था, वो वर्ड सही है। तो यहाँ पे जो मिर्जापुर 2 है वो नल्ला बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट सीजन जैसा है वैसे ही सेकेंड सीजन है। थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता, थोड़ा सा ड्रैग लगता, यानी थोड़ा सा घसीटा गया ऐसा लगता है, क्योंकि 9 घंटा का था वो, ऑलमोस्ट 8 घंटे के आसपास का था, ये 9 घंटे का था, तो थोड़ा बड़ा लगेगा, बट स्टिल ए वर्थ वॉच शो। और बहुत कुछ नया एक्सपेक्ट करो मत, मजा आएगा लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। रसिका दुग्गल का जो कैरेक्टर था पहले सीजन में, वो भी इम्प्रेस करते हुए नजर आए थे, यहाँ पर भी इम्प्रेस करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा कुलभूषण खरबंदा जो दादाजी रहता है, वो बहुत ही एक्चुअली चार्ज दादाजी रहता है, तो शाकाल हमारे, तो उसका भी रोल अच्छा है, उनका भी रोल अच्छा है। कुल मिला के यहाँ का जो शो स्टार है वो मेरे ख्याल से गुड्डू नहीं है, वो मुन्ना है। जी हाँ, करेक्टर ग्रे शर्ट जरूर है, लेकिन मुन्ना ने कहीं ना कहीं पंकज त्रिपाठी को भी अच्छा खासा खा गया, मेरे को ऐसा लगता है। तो बाकी आप लोग की क्या राय है जरूर बताइएगा, लेकिन मेरी तरफ से रिव्यू के हिसाब से मैं इस वेब सीरीज को, सेकंड सीजन को, ऑलमोस्ट 5 out of 3.5 दूंगा, यानी कि 100 में से 70% रेटिंग, यानी डिस्टिंक्शन। वॉट यू हैव टू से डू लेट मी नो, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसके बारे में और डिटेल जानना होगा तो मेरी वेबसाइट पे जाके इसका रिव्यू देख लीजिएगा, मैंने लिखा है ऑलरेडी।
बॉलीवुड क्रेजेस पर। बाय।